हेलो नमस्ते दोस्तों, आज दिव्या किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से एक बिल्कुल अलग तरीके से नाश्ता घर पे कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताऊंगी। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने गेहूँ का आटा लिया और ये 100 ग्राम है, और अब मैंने ये लिया है बाउल। तो बाउल में सबसे पहले हम गेहूँ के आटे को डाल देंगे। तो मैंने इसमें गेहूँ के आटे को ऐड कर दिया। तो अब सूजी डालेंगे और सूजी आप देख सकते हैं मैंने 3 चम्मच ली है। सूजी डालेंगे और अब इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है चावल का आटा, चावल का आटा भी 3 चम्मच ही है, तो इसको भी डाल देंगे। और अब नाश्ते में, नाश्ते को टेस्टी बनाने के लिए कुछ और अब कुछ सब्जी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने धनिया लिया, ये मैंने प्याज लिया, प्याज को मैंने कद्दूकस किया है, ये मैंने लिया फूलगोभी, फूलगोभी को भी कद्दूकस किया है, और ये हरी मिर्च है इनको मैंने बारीक काटा है, और ये मैंने लिया है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने कद्दूकस किया है, और ये मैंने लिए हैं 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, इनको भी मैंने कद्दूकस ही कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम अपने नाश्ते में ऐड कर लेंगे नाश्ते के बैटर में। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इनको बारीक काट भी सकते हैं, बट इस टाइम मैंने कद्दूकस किया है। और ये मैंने इसमें ऐड करूंगी ये फूल गोभी, और अब प्याज, अब इसमें ऐड करना है हरी मिर्च, और अब ये लहसुन, धनिया हम लास्ट में ऐड करेंगे। सभी सब्जियों को मिक्स होने के बाद में, इस बैटर को बनने के बाद में ऐड करेंगे धनिया को, और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और अब 1.5 चम्मच नमक की ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो आप बैटर देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल इस तरीके से रखी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो अब बैटर में हम डालेंगे, ये देख सकते हैं मैंने नींबू का रस लिया है, 1 नींबू का रस था, तो इसको डाल देंगे जिससे और भी अच्छा टेस्ट आ सके नाश्ते का। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे धनिया, और धनिया को भी मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पैन लिया, तो पैन को थोड़ा गर्म करेंगे, और अब पैन गर्म हो चुका है, तो इसको सबसे पहले तो हम एक कपड़े से पोंछ लेंगे, जिससे थोड़ा सा गर्म जो है वो थोड़ा कम हो जाए। और अब इसमें ऑयल ग्रीस करेंगे। और अब चमचे की हेल्प से हम अपना पेस्ट भी डाल देंगे पैन में। और अब पेस्ट को फैला लेंगे इस तरीके से। देख सकते हैं इसको मैंने डाल लिया है,
और अब ऊपर से इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे ये जब पलटेंगे तब इसका कलर अच्छा आएगा। तब इसको फर्स्ट लेयर से सेकने के बाद इसको पलटेंगे हम। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तब इसको आप देख सकते हैं जो साइड साइड से भी ये ऊपर उठना शुरू हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेंगे। तब ये बीच से थोड़ा सा नहीं सिका है, तो इसको थोड़ा सा बीच से सेकेंगे। ये साइड से सिक चुका है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमको। ये 5 मिनट में पूरा सेक जाएगा। फर्स्ट लेयर से इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेकना है, इसलिए 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है हमको इसको। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सीख चुका और कितना अच्छा कलर आया इसका। तो हम सेकंड लेयर से भी इसको सेक लेंगे। तो ये नाश्ता सेकंड लेयर से भी सीख चुका है और फर्स्ट लेयर से भी सीख चुका है, तो इसको निकाल लेंगे और हम दूसरे नाश्ते को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो अब इसको निकाल लेंगे हम। तो हमारा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से अगर आप नाश्ता बनाएंगे घर पे। तो हमारे सिंपल तरीके से नाश्ता बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।